जिले से चले तो लास्ट गांव पड़ता है ये आपका, तो कोई नेता है तो जो बनने के बाद विकास में भी लास्ट ही है, विकास में भी लास्ट लास्ट ही है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो है ना वो टायर पंचर हो जाएगा, टायर पंचर हो जाता है। तो पानी अगर आप पीते हो तो 10 लग जाएंगे, 10 लग जाएंगे। इस तरह खराब पानी आ। बाजड़ा हल्के के कारी तोखा गांव के अंदर मौजूद हैं। सर्वे के दौरान हम आज इस गांव के अंदर हमारी टीम पहुंची है और बाजड़ा हल्के के अंदर लोगों से रुख जानते हैं कि किस तरफ जो है बाजड़ा के लोग रुख करते हैं, क्योंकि पीछे का जो विधायक रहा है उससे पीछे की सरकारें रही हैं। तो बाजड़ा के लोगों के अंदर अब की बार जो है वो काफ़ी रोष है वो इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि सरकार के अंदर हाथ होते हुए भी इस हल्के की जो अनदेखी की गई है। गांव के काफी लोग हैं, कारी तोखा जो गांव है बरडा हल्के के अंदर पड़ता है, जिला दादरी है। एक ताऊ जी आगे हैं, पहले इनसे बातचीत कर लेते हैं। ताऊ जी राम राम। हाँ राम राम जी। और ठीक ठाक? बिल्कुल बढ़िया। इसे गांव का हो? इसे गांव का। तो चुनाव की क्या प्रक्रिया चल रही है इस गांव में, किस तरफ ज्यादा रुझान चल रहा है? अभी तक कोई रुझान नहीं है, न कोई कैंडिडेट है, न कोई आया है। और जब टिकट बंटवारा हो जाएगा उसके बाद में देखो दुनिया का रुझान कैसे कहां जाता है। अच्छा, इस गांव की बात करें तो पिछले 5 सालों में ऐसा कोई कार्य विकास करिए जो इस गांव में मोर लगी हो, क्योंकि दादरी जिले से चले तो लास्ट गांव पड़ता है ये आपका, तो कोई नेता है तो जो बनने के बाद विकास में भी लास्ट ही है, विकास में भी लास्ट लास्ट ही है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो है ना वो टायर पंचर हो जाएगा, टायर पंचर हो जाता है, कुछ नहीं मिलता। तो मतलब पिछले 5 साल की बात करें या पीछे कई साल की बात कर लें, कई कितनी कर लो, हमारे तो 2 योजना में तो कुछ होया नहीं है। हाँ ये 2,000 रुपए मोदी आला जो इन्हें दे रखे हैं ये तो लोग का हूँ, सब का आया हूँ, और बाकी तो हम बैकवर्ड घोषित हो रहे हैं। अच्छा, क्यों? हमारे गांव की जमीन 500 किल्ला बेगाव शामिया में पड़े। अच्छा, जो लोहारू हल्के में पड़ती है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट रह गया दादरी, आधार कार्ड देखते ही वो कट हो जाते हैं, दलाल साहब देश उन्होंने सबने। अच्छा, मारा तो एक आना मिला नहीं, जमीन लुवारूं तारी आधार कार्ड में नाम वासिंदा था मेरे दरितर की दादरी। हाँ, तो वो आधार कार्ड देखते ही पेंडिंग में चला जाता है। अच्छा, तो फिर भी मतलब चलो बात सरकार की करा पे, तो कांग्रेस और बीजेपी इनमें से कौन सी आपको सही लगे है कि यह आवे तो काम सही हो जाए? भाई ये तो मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा, देखो सरकार ने तो काम इसने भी बहुत किया है और ईब दावा उड्डा साहब भी बहुत कर रहे हैं। वो जनता का माहौल कैसे बदलेगा, किस रूप में चलेगा वो, तो पानी की निकासी वगैरह को लेकर के या फिर और कोई ऐसी चीज जो गांव में हो कि भाई हाँ ये चीज हमारे लिए उपयोगी है, पीने का पानी को लेकर के हो? पीने के पानी की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा, सबसे ज्यादा हमारे पानी आता है पीने का धारणी से, डिग से, वो भी दो तीन दिन में एक बार वो डिग भर के अंदर बूस्टिंग से चलाऊ। बाकी गाँव का पानी अगर आप पीते हो तो 10 लग जाएंगे। इस तरह खराब पानी नाव है तो फिर खाए चलना। हाँ बस यही है, उसमें पूरा नमक है। अच्छा, आप किसी मकान को देख लो सब नूनी के भरे हुए हैं, नमक का पानी है। अच्छा चलो भी कुछ और लोग हैं इनसे धन्यवाद। धन्यवाद ताऊ जी, चलो बातचीत करते हैं और भी गांव के लोग बैठे। ताऊ जी राम राम। राम राम बताओगे बात करने में क्या दिक्कत है? ताऊ जी राम राम। राम राम। इसे गांव तो हो गए गाँव का। अच्छा, और ठीक ठाक सुना है? बताएं, बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो चुनाव वो क्या माहौल चल रहा है गांव में? माहौल आप जो जिसने टिकट मिलाई वो जीत जाएगा। अच्छा, आप लोग काफी फिर भी किसका किसकी मतलब ज्यादा रुख सब रखा? तो कांग्रेस की है। कांग्रेस की ज्यादा? किस वजह से है कांग्रेस की ज्यादा? कांग्रेस की है, हम तो वोट गिरने लगे ना जब से कांग्रेस का वोट गिरे। बताओ जी, आप बताओ। ये भैया कड़ा बड़ा कड़ा बड़ा ये नाम तो नहीं कांग्रेस को गिरा बीजेपी को। तो कांग्रेस तो उम्मीदवार कौन सो आवा जी, थोड़ी सी ज्यादा बढ़िया पूरा आठ भाई कांग्रेस को उम्मीदवार मिला केवरो क्वेश्चन किसने टिकट दे? 40-50 आदमी जो इकट्ठा हो रहे हैं, फिर भी कोई सो हो जो ये बताए आयो है भाई। तो कांग्रेस की अपने बढ़ डालो ये क्या नाम है जगत जगत सिंह को अगर सारा लग दो है तो बारडो मारो ब्लॉक से बारडो थानो से बारडो तहसील से बारडो को आदमी से और बारडो को आदमी। बताओ जी इस 5 साल में किसो कार्य है जो तुमने नु याद आओ कि हमारा गांव में गोयो है? मैं कार्य तो भैया जी बात करने दे कि बीजेपी करा सा कि मैं तो भाई कि कांग्रेस भी आप जी कराई लेकिन थोड़ी बहुत तो कराओ, लेकिन जो बीजेपी काम करी सो कांग्रेस कौन करा ने? कांग्रेस 10 साल में उड़ रही राज कर गयो,
खड़ी मोड़ दूर मर दूर पत्थर का डाक जबरदार डंग भी धरी होती इसने अरे फिर काकन फिर लिया ना ठाए बोली बस का सी लेकिन बीजेपी राम राम भाई। तो आपको किसका नहीं रुझान है आप इस कांग्रेस का जहाँ वोटर कांग्रेस का गिरा कांग्रेस जिताना चाहो कांग्रेस में कौन उम्मीदवार कौन साहब कह रहा हूं अरे भाई जी मत से समझ रहे की चीज से मिल जाए तो नहीं पछ कलर डब तीन बार तोड़ते अमित आ रहा है न्यूज़ है बस न्यूज़ है क्या गिरे हो तो इनमें भी मतलब मन तक कौन तरह उसकी ना कौन तरह है यार ठिकाना ही चीज नहीं उस तरह का हाँ भाई राम राम आपको के रुझान है किस पार्टी का रुझान है भाई केजरीवाल ने लिया उनको केजरीवाल ने लिया उनको केजरीवाल ने तो जड़ में देखो लिख दी आप ना लग रही थी ना लगड़ो जीतते बार आप लग गया वो और क्यों मतलब केजरीवाल का रुझान क्यों है क्यों सर ये देख लिया चौधरी सारा अच्छा हाँ तो ठीक पाओगे हाँ तो उसमें बैठे हैं चलो अगर केजरीवाल आवा तुरंत कैंडिडेट कौन आवा फिर तरह कैंडिडेट राकेश राकेश चांदवास क्योंकि मैं आवाज उवाज ठा दे खूब ठा भाई समाधान भी करवा दे समाधान भी करवा हो आके गांव में पंचायत करके फोटो भी वो तो बाग आओगे जिस बेरो पट्टा पंचायत क्या है करनी है कल पंचायत की बने और को पंचायत हम फैला बने तो पिछले 5 साल में 10 साल में इसको कोई काम जो नुकाम यो काम है थोड़ा सा आप भी कर सको भी है सरकार ने हमारे खातर यो काम किया हाँ सरकार ने काम करे है खूब बढ़िया बीजेपी ने पिछली कांग्रेस सरकार ने कांग्रेस सरकार तो कोई नहीं देश को भट्टो बैठा दिया देश को भट्टो बैठा दिया और भी लेके राम 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 भाई तो आपका के विचार है इस गांव में कौन सी समस्या ऐसी रही है जो उठी है या उसको समाधान समस्या तो पूरी हो गई गद्दे भी कोई पानी की कोई सब गाड़ रोड की तो रुझान कौन सी पार्टी का रुझान तो कैंडिडेट आने पर होगा कैंडिडेट तो आएंगे बीजेपी को कांग्रेस को आम आदमी पार्टी को कैंडिडेट का है कौन सी पार्टी को हो चाहे वो हाँ बिल्कुल सही बात है कांग्रेस को आम आदमी पार्टी को इन लोगों को जसपा को ज्यादातर वोट होना है अच्छा कांग्रेस में घना बहुत सी एक मंदोला को है एक आपका बाडेडा को है एक गसोला को है और एक दो और है तो अन्न मतलब 60% लगभग हाँ 60% है जो सही लगा मायने में भैया आवे तो मतलब ठीक हो नाण मत कांग्रेस को कौन दे यार कौन बीजेपी को अरे जेजेपी को वोट रहा हूँ जेजेपी को जेजेपी का बता दो फिर हाँ ठीक कौन सा कैंडिडेट जेजेपी तो खत्म कर दी बीजेपी होता है जैसे वोट उड़े पड़े रहा हूँ उड़े पड़े रहा मतलब छोड़ पड़े हो पत्थर भारी हो रही तो कदन का दे तो बाव उड़ेगी हाँ बिल्कुल सही बात है और ठीक ठाक हाँ बिल्कुल ठीक है तो इनका इलेक्शन को कौन सी पार्टी का ज्यादा रुझान है देखो जी बाढ़ हल्का तो ज्यादा करके कांग्रेस की तरफ है अच्छा तो किस वजह से है कौन सा कैंडिडेट है भैया आवे तो हाँ तो आएगा तब है अभी कैंडिडेट पर मेन बात है कैंडिडेट तो बताओगा जिदे थोड़ा बहुत आगे जाएगी की बात भैया हाँ लोग पसंद बन रहे है फिर भी थोड़ा बहुत लाग रहे हमारे तो है लोकल बाढ़ एरिया का जो 10 किलोमीटर एरिया में कोई आ जाए कैंडिडेट तो पिछली बार तो तमने मतलब हाँ, कि वो करामात है कि जो बाहर से आता है उसको पहले बनाता है मतलब लास्ट का 2 महीना में आके जगह बना जाए बिल्कुल 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 और फिर उसने बना दिया तो आने वाला टाइम देखो क्या कहता है बारडा भी कुछ कह नहीं सकते तो वोट किस पे होगा मतलब मुद्दों पे होगा या फिर एक पार्टी चुन ली इस पर नहीं मुद्दों पर भी है कौन से खास मुद्दे रहेंगे जो गांव के हमारे गांव के सबसे मेन पॉइंट है पानी का सबसे मेन पॉइंट है पानी नहीं है पानी बिल्कुल खराब पानी नहर नारकोन लगा सर नहीं सप्लाई आती है धारणी से वो भी टाइम टू टाइम क्या आ गया सप्लाई तो है ही नहीं इस टंकी में सप्लाई सिर्फ तो इस टंकी से लेके जाए सर नमकीन पानी है भैया जम्मा मतलब लेडीज है मटका ले आवा रहे थे लेके जाए ना नलकम तो जा है लेकिन खारो पानी जाए खारो पानी जाए बिल्कुल खारो पानी जाए तो इसको समाधान क्यों करो उसका इसको तो भाई सरकार करे फिर भी मतलब थोड़ी बता रही बीजेपी तो करे कोने के भी हम तो कांग्रेस राम राम इसी गांव से हूँ हाँ इसी गांव से हूँ तो इनका बार सरकार को के कुछ रुख सही सरकार को रुख तो भैया जो पर्ची गिरेगा वो कैंडिडेट बनेगा चाहे कांग्रेस की पड़ेगी कांग्रेस बनेगी बीजेपी की पड़ेगी तो बीजेपी बनेगी तो, दो ही डोलकिया में वोट पड़ने कांग्रेस या बीजेपी तीसरी जगह वोट नहीं है ना मुद्दे क्या रहेंगे इस गाँव के मुद्दे के बारे में अभी तक कुछ नहीं कह सकते गाँव के कुछ मुद्दे होंगे गाँव का कोई मुद्दा नहीं हमारा कोई मुद्दा नहीं है फिलहाल किसी टाइप का भी अच्छा
हाँ वो टाइम के ऊपर माहौल बनेगा, उस टाइम के ऊपर डाले जाएंगे। नहीं मुद्दे तो होते होंगे गांव में, चाहे पानी के लिए हो, चाहे गंदा पानी की निकासी का लिए हो, कई और रोजगार को लेकर हो। हमारा एक मिनट, हमारी तरफ से कोई मुद्दा नहीं, हमारे गांव का कोई किसी किस्म की भी मुद्दा नहीं है, ना कोई पानी की समस्या है, तो ना कोई रोड की समस्या, ना गली की समस्या। वोट गिरेगा फिर? हाँ बिना मुद्दा वोट गिरेंगे। फिर भी आपको किस दिन रुझाना है? देखो अभी टाइम बताएगा, कैंडिडेट बताएगा, कौन कैंडिडेट आओ से, किस पार्टी का आओ से कैंडिडेट, पार्टी किसी हो आपको कैंडिडेट से तो डायरेक्ट? हाँ हम कैंडिडेट देखेंगे, कैंडिडेट देखोगे। तो बारडा हल्का में पिछली बार कैंडिडेट आयो, वो कैंडिडेट हमने दूर को बना दियो, दो महीना लास्ट में तारा दिल में छाती में बनके रहे हो। एक मिनट, पहले का संबंध अलग है, उस टाइम का माहौल कुछ और था, आज से पांच साल पहले का, आज का माहौल कुछ और है। जबरदस्त बारिश आ गई है, देख सकते हैं, थोड़ा घुमा के दिखा दे, कुछ और होगा। अच्छा देख सकते हैं माहौल बदल चुका है, बारिश भी हो चुकी है, और भाई लोग जो है उस माहौल को बदलेंगे। इधर दिखा थोड़ा, देख सकते हैं इतनी भयंकर बारिश आ चुकी है, और बारिश के अंदर भी हमारी जो है अपडेट आपको मिलती रहेंगी, आप लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।